ओ भाई क्या जगह है भाई, क्या सीन है। तो गाइस हम लोग घूमने आए हैं आज नेचर, तो देखते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस हम लोग अभी हैं पिंडराजपुरा में और जा रहे हैं हम लोग नेचर घूमने के लिए। शाम का समय है, मैं और मेरे दो दोस्त हम लोग जा रहे हैं नेचर घूमने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए कि कैसा है जगह, तो बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस आज पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि वहाँ क्या है, पार्क है, स्विमिंग पूल है, रेस्टोरेंट है, तो देखा जाएगा। पूरा वीडियो देखते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है आज। गाइस मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं नेचर, तो देखिए ये है नेचर का आउटलुक जो बाहर से हम लोग नज़ारा देख रहे हैं, और वो है मेरे दो फ्रेंड्स जो सामने हैं, और देखिए चारों तरफ का सीन मैं आपको दिखाता हूं अच्छे से। तो गाइस ये है नेचर का जो एंट्री है यहाँ से होता है, और सामने कितना ब्यूटीफुल पार्क बना हुआ है, और सामने जो ये नेचर, ये नाम ही है इसका नेचर, मतलब नेचुरल टाइप के, इसमें घर से रेस्टोरेंट से भी सब नेचुरल है, सब बैम्बो का बना हुआ है। तो आगे देखते रहिए मेरे साथ, बहुत मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, ग्रासेस हैं। और गाइज मैं इस लॉकडाउन में ये दूसरा ब्लॉग बना रहा हूँ, और आपने यदि पहला ब्लॉग नहीं देखा है जो मैं गुआई डैम पे बनाया हूँ, जो हमारे गांव में बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है, फोटोशूट एरिया है, उसको ज़रूर देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो देखिए गाइज सामने जो पार्क है वहाँ झूलने का भी जगह है, और ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये यहाँ पर लोग रेस्टोरेंट में आए हैं, खाना खा रहे हैं, और मैं अच्छे से आपको दिखाता हूँ, रुक जाइए। देखिए सामने ये ऐसे आपको रूम दिया जाएगा, इसमें आप कुछ भी ऑर्डर कीजिए, खाइए, मस्ती कीजिए, बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, और भी पार्टी मना सकते हैं दोस्तों के साथ। ये देखिए बैठने की जगह है, यहाँ एसी भी लगा हुआ है, तो आपको कोई टेंशन नहीं, एकदम नेचुरल टाइप की जगह, फैन भी मिलेगा, एसी भी मिलेगा, एकदम लाइटिंग है पूरे अच्छे से। तो गाइस एक बात मैं बताना चाहता हूँ ये कि ये बोकारो से तो सामने पड़ेगा, लगभग 10-12 किलोमीटर हो जाएगा ITI मोड से। तो ये देखिए मैं किचन दिखा रहा हूँ आपको, सामने और भी पार्क है, तो देखते रहिए मेरे साथ। और थोड़ा पैसा तो लगेगा, बट बोल सकते हैं नॉमिनल टाइप का है, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। तो मैं पार्क दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा, कितना सजा के रखा है इन्होंने, एकदम आकर्षित जगह बना के रखा है। तो इधर आइए, घूमिए, मस्ती कीजिए, फ़ोटोशूट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आके आप फ्री में भी यहाँ फ़ोटोशूट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसा लगेगा एंट्री के लिए, ऐसा कुछ नहीं। आप कुछ खाइएगा या फिर स्विमिंग पूल में नहाइए, बात कीजिए, तो पैसा लगेगा आपको, और भी कुछ मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसका पैसा लगेगा, लेकिन ऐसे घूमने का देखने का पैसा नहीं लगेगा। तो मैं जा रहा हूँ अभी स्विमिंग पूल के तरफ, आपको दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर सामने स्विमिंग पूल है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल। देखिए यहाँ रेस्ट करने का भी जगह है, स्विमिंग पूल है, यहाँ पर फॉल टाइप के बनाए गए हैं पानी के लिए। तो गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ स्विमिंग पूल के लिए अलग से प्राइस लगता है, तो ये बात ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और यहाँ पर आइए, समर वैकेशन हो चाहे विंटर वैकेशन हो, आइए इंजॉय कीजिए, बात कीजिए, फ़ोटोशूट कीजिए, कैमरा लेके आइए, इसका कोई अलग चार्ज नहीं लगता है, तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर फैमिली के साथ भी आ सकते हैं आप और इंजॉय कर सकते हैं, और फ्रेंड्स के साथ भी आइए, इंजॉय कीजिए, बहुत ही बेहतरीन जगह है मेरे हिसाब से यदि माना जाए तो इस NH35 में बोकारो में। तो आइए ज़रूर यहाँ पर इंजॉय कीजिए। यदि आप बोकारो में रहते हैं तो यहाँ आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए, और इससे ही कम से कम और 8-10 किलोमीटर आगे जायका रिजॉर्ट नाम का एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है, तो वहाँ भी ज़रूर जाइए और देखिए, चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। यदि आप बोकारो में रहते ही हैं तो यह करना बहुत ज़रूरी है, घूमिए बोकारो को, इंजॉय कीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये बोकारो। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और नए नए जगहों को एक्सप्लोर करके ब्लॉग बना के आपको
बता सकता हूँ कि ये कितनी अच्छी जगह है और कैसे है और कैसा प्राइस है, कैसा घूमने का तरीका, आप कैसे इसका बेस्ट इंजॉय इस चीज़ का ले सकते हैं। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।